कनेक्शन वाला यार, अभी तक एक प्रॉपर्टी नहीं आई सेट पर। अरे आ रही है प्रॉपर्टी यार। क्या आ रही है? अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो? दादा ये क्या है लाइट का? तुम लोगों को जो करना है करो, डीजल के बिना लाइट नहीं जलेगी। भाई गरम क्यों रहे, चाय पीना? नहीं पीने की। नहीं पीने, ठीक अभी आता हूँ। हाँ खत्म हो गई चाय, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। आ गया। आइला मौसमी। क्या? मौसमी का जूस मैडम, आपने मंगवाया था। ठीक है वहां रख दो। ओके मैडम। भीगे वैसे मैडम एक बात पूछे आपसे, आपको मौसमी बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। हमें भी मैडम, बल्कि हम तो बचपन से मौसम्बी देख देख कर बड़े हुए, जहाँ देखो वहाँ मौसम्बी मैडम। क्या मतलब? मतलब मैडम हमारे गांव में 2,500 मौसम्बी के पेड़ है मैडम, और मौसम्बी तो सेहत के लिए अच्छी होती है ना। तुम्हारा नाम क्या है? खुजली। हाउ फनी। क्या मैडम आप भी, आपको अच्छा लगा? क्या नाम खुजली। वैसे मैडम हमारे जो डायरेक्टर सत्येंद्र बैंकुटना चट्टोपाध्याय, उनको देरी बिल्कुल पसंद है। ठीक 8:30 बजे सेट पर पहुंच जाइएगा, वरना गाली पड़ेगी। किसे? हमको मैडम, आपको कोई क्यों गाली देगा मैडम, चले अब। ओके जाओ खुजली। वैसे मैडम मौसम्बी सेहत के लिए अच्छी होती है। कल फिर आऊंगा मौसम्बी का जूस लेकर। ठीक है। कौन हो तुम? मैं ब्लैक, नहीं खुजली, ब्लैक खुजली मैडम। ब्लैक खुजली मैडम? ब्लैक हा? What nonsense? ब्लैक टी मैडम, ब्लैक टी आपने मंगवाया था ना? ठीक है रख दो वहाँ पे। ठीक है मैडम। एक बात कहे मैडम, काली चीजें बहुत पसंद है ना आपको, सच्ची बोलो? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। कल ग्रीन हा मैडम? क्या ग्रीन टी मैडम, आप कुछ भी समझ जाते हो। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है हम जाते हैं। क्या आइटम है? क्यों क्या ये काली पे मजा आ गया। आइए सर, सर एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ सत श्री अकाल जी, की हाल है विक्की जी? विक्की जी आप कभी आ रहे हो भाजी? आप कभी आ रहे हैं जी? देखिए शॉट लगा हुआ है, डायरेक्टर तैयार है, हीरोइन तैयार है, आज तो बड़ा सोना जहा मेकअप लगा के बैठी है थोड़ी बिंदिया, तो बस तुम आ जाओ, बड़े कमीने हैंगे में, तुम आ जाओ सर। हाँ जी हाँ थोड़े पैसे पहुँच गए भाजी। हाँ थोड़े पैसे पहुँच गए भाजी, तुम फिक्र ना करो जी। हाँ जी सब ठीक ठाक है, तुम आ जाओ बस, बस तुम आ जाओ, मजा आ जाएगा कसम से, आ जाओ बस आ जाओ। हाँ बड़े कुत्ते ने, बड़े कमीने ने, लेकिन मेरे हीरो ने खूब भालो। अरे हम तुमको बहुत मिस करता है, तुम्हारा लच्छेदार बातें, चांदनी रातें, तू तुम्हारा मौत मस्त बदन, फिर उस पे घिसा चौंदन,
फिर हमारे गालों पे हाथ फिरा के बोलना ये मूंछो को राज उड़ी बाबा तुम तो सचमुच हमको टॉच करते है की रे तुम्हारा शरीर पे ये भालू का बाल कैसे आ गया ये भालू का बाल नहीं है ये मेरे खुदरे हाथ है ओ दादा तू दादा सॉरी दादा हम ना हम अपने वाइफ से बात करता था क्या है ना कि हम शूटिंग से पहले अपना वाइफ से बात करते हैं ना तो शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है प्रॉब्लम आ गया शूटिंग पे हीरो नहीं है पैसे लग रहे हैं पानी शिफ्ट हो गई है अब मैं क्या करूं कंगाल हो जाऊंगा वो अभी तक आया नहीं नहीं सोलह वीकी अभी तक नहीं आया दादा तुम टेंशन मत लो हम अभी उसको फोन करके पूछता है पैसे लग रहे हैं भोका लोबान जल रहा है बोलिए डायरेक्टर साहब बोलिए कीरे तुम कौन है अरे बस कुछ नहीं यहाँ दुबई में हूँ दुबई में भाइयों का भाई दुबई तुम जल्दी आओ ये साला हीरो गैंगस्टर कब से बन गया रे अरे नहीं नहीं डायरेक्टर साहब मजाक कर रहा हूँ अभी घर से निकला हूँ मजाक कर रहा हूँ आप शॉट की तैयारी कीजिए तुम तोड़ तोड़ी जाओ तुम जल्दी आओ ऐसा शॉट देता हूँ ऐसा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी आज फाइनेंसर आने वाला है दादा 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 आना इधर दादा रोमन दादा विकी आ रहा दादा ये शंकर ये कोल्ड ड्रिंक का घड़ा लेके आओ इसको ठंडा करो रे ठंडा दादा अच्छी अच्छी आपकी लर्न कैसी है हाँ नहीं नहीं हाँ पहले भी काम कर चुके हैं अरे सुनो हाँ बोलिए मैडम ये क्या डायलॉग्स लिखे हैं भाई आपके आगमन से हमारे अंतर्मन में प्रेम का दीप प्रज्वलित हाँ, मैडम यही क्या बात प्रज्वलित सही पढ़ रही और है एफ इज दिस अरे मैडम ऐसी बात नहीं है बाबू राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं बाबू राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं बट सिर्फ बिंदिया के लिए गॉट इट अरे तुम्हें कम से कम एक डायलॉग तो मिला है मुझे तो अभी तक एक लाइन नहीं दी है अनन्या जी एक मिनट लाइन तो हम आपको कब से दे रहे हैं सही बात डायलॉग की तो कुछ पाने के लिए कहीं सोना क्या मतलब मेरा मतलब खोना पड़ता है यही तो फिल्म इंडस्ट्री का नियम है एक हाथ दे एक हाथ ले एक्सक्यूज मी जिला तो बल्ला आ गया ले हम शंकर को बोला था खुजली आ गया तुम किधर हमको दिखा नहीं किधर खुजा रहा था सर हमारा नाम खुजली है अभी खुजाओ मत चलो दादा को खुजा दादा हमारा मतलब कि दादा को ठंडा दो रही सॉरी दादा ठंडा नीचे सर हाँ सर आप भी नहीं चलो अपना काट करो डायरेक्टर साहब बोलिए डायरेक्टर साहब बोलिए की रे विक्की तुम कितना लेट हो गया कितना बड़ा झूठा है तुम हम कितना देर तुमको फोन किया था तुम अभी तक काय को आया क्यों नहीं हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ हरी भरी वादियों में घूम रहा हूँ मैं अरे तुम उधर वादियों में इधर हमारा प्रोड्यूसर एकदम मासूम खो गया है coming, boss. तुम जल्दी आओ रे I'm reaching there. In no time, director साहब bye bye स्पॉट कुर्सी हे बिंदिया हाउ आर यू आई एम फाइन लुकिंग गॉर्जियस हाँ थैंक यू सो मच वेल रेडी फॉर द शॉट या ऑलवेज पर सुना है सुपरस्टार विकी मल्होत्रा अभी तक नहीं बता रहे हा? कभी कभी ऐसा हो जाता है यही तो तुम नहीं समझती हो बिंदिया मतलब विकी मल्होत्रा जैसा स्टार जब तक कोई नौटंकी ना करे उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी एक बात कहूँ रोनित यस श्योर
किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले एटलीस्ट एक बार सोच लिया करो। थैंक्स फॉर द एडवाइस, बट जो सच है वो सच है। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, चली चली रे, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे चली बादलों के पार, बादलों के पार। 500 तक पहुंचेगा ना तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर पिक्चर का भी अच्छा पब्लिसिटी हो जाएगा। अरे जब मैं बचूंगा तभी फिल्म की पब्लिसिटी होगी, फिल्म रिलीज होगी। अरे विक्की को फोन करो, विक्की को फोन करो, बोलो मेरा क्या हाल है। आप दबाऊंगा 310 बुढ़ी बाबा फोन नहीं उठाता है। गिरे साला, एक मिनट, हमारा फोन नहीं उठाता है। इधर वाला डायरेक्टर सौतन का फोन नहीं उठाता है। साला सौतन का फोन नहीं उठाता है। विक्की मल्होत्रा इज आउट ऑफ माय फिल्म। क्या हुआ सर? विक्की मल्होत्रा इज आउट ऑफ माय फिल्म। मतलब? मतलब आउट मींस आउट। पर सर कुछ नहीं, साला बहुत हो गया, ये सब नहीं चलेगा। अभी हम बताता है इसको। देखो कदा कैमरा घुमाओ, घुमाता हूं। हे जोरा, जोरा दरवाजा खोल, जोरा जोरा देख, तेरा रोने ता गया जोरा, देख जोरा दरवाजा, दरवाजा खोल जोरा। आई एम सॉरी सर, मैं डायलॉग भूल गया सर। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। चलूंगा मैं ना। या कुजली अन्ना, ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो, हम है ना, हम पे भरोसा करते ना। दादा चली चली दे पतंग मेरी, हम आपका फिल्म बना के देगा और हिट करा के रखेगा, समझा? मिल गया। क्या मिल गया दादा? हीरो विक्की मल्होत्रा जीरो। अरे दादा सोच लो। सोच लिया दादा, अभी देखना तुम्हारा पिक्चर कैसे बनाता है। लड़का मिल गया लड़का। ओवर बजट हो जाएगा दादा, ओवर बजट हो जाएगा। कभी ना बड़ा हैंडसम है, बहुत पैसे मांगेगा। हाँ बोलो। ओके ओके ओके, वो परसों का मैच है ना? आई विल बी देयर। ओके डोंट वरी। सर कौन है आप, क्या चाहते हैं आप? पूरी बाबा तुम हमको नहीं पहचानता? हम सत्येंद्र बटुनक चट्टोपाध्याय, स्टार मेकर। सो व्हाट? अरे तुम जानी ना हम तुमको किधर से किधर पहुंचा सकता है। किधर से किधर? सर मैं जहां हूं वहीं पे ठीक हूं सर। अरे तुम समझा नहीं, हम तुमको इधर से उधर तक पहुंचा सकता है। सर इस उम्र में मैं यहीं पे ठीक हूं, मैं ऊपर जाना नहीं चाहता। पूरी बाबा तुम गलत समझा रहे, हमारा मतलब है कि हम तुमको इधर से ऊपर तक मतलब स्टार बना सकते हैं आसमान के सितारों के साथ। देखिए सर आप क्लियर बताइए आप लोग मुझसे चाहते क्या। हमारा मतलब के देखिए जी वो क्या है कि हम लोग बड़ी मुश्किल में है, हमारा हीरो भाग गया है। आप हीरो जैसे लगते हैं और हमारे डायरेक्टर को आप बहुत अच्छे लगे हैं। आप हमारा काम कर दीजिए, कुछ सोल्यूशन निकाल दीजिए। सर देखिए ये हीरो वीरो का चक्कर छोड़ दीजिए, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, बाकी आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा। जी जी वो ए बिंदिया, तुम थोड़ा थोड़ा हेल्प करो ना, उसको समझाओ ना, तुम्हारा बात मान जाएगा। दादा हमारा फिल्म का हीरोइन बिंदिया तुमको कुछ बोलना चाहता है। प्लीज मान जाइए ना। पूरी बाबा कौज हो गया, कौज हो गया। हे हे हा हा।
मान जाइए। ए मान गया। हीरो मान गया। मतलब फिनांसर कौन फेल है? विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। नहीं विशाल, तुम इसके बातों में मत आना। ये तुम्हें फंसा रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुमसे प्यार नहीं करती। विशाल नहीं, मेरा विशाल खामोश। मैं वो परवाना नहीं जो क्षमा पे कुर्बान हो। मैं एक दहकता हुआ शोला हूँ, शोला, एक दहकती हुई आग जिसे आहुति चाहिए एक क्षमा की, एक शवाब की। तुम दोनों कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जरूरतें पूरा किया करते हैं। और तुम दोनों ने अपनी अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन मैं प्यार जैसे पाक पवित्र नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, बदनाम नहीं कर सकता मैं। इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है विशाल, सागर से गहरा विशाल। काटे। क्या बात है, क्या बात है। क्या शॉट दिया आपने। थैंक यू। एक्सीलेंट दादा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया किया सर। पालो हाय हाय, मजा आ गया। क्या बात है, सुपरस्टार है भाई, सुपरस्टार है। ओए कोई बात नहीं, आजा जब भी डाल ले। ए सुनो अपना, हमारे को हमारा सुपरस्टार मिल गया विशाल। आज की शाम की पार्टी हमारी तरफ से जम्बोले सोनिया। सर, ये तो सुपरस्टार विकी मल्होत्रा है सर। सर मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसकी हर फिल्म पहला दिन पहला शो मैंने देखी है। अरे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चश्मा उठाओ वहां से। ओ सत्येंद्र, 10 मिस कॉल देखें। किरे विकी मल्होत्रा, तुम क्या समझता है? तुम इधर नहीं पहुंचेगा तो हमारा फिल्म नहीं बनेगा। हाँ, हमारा नाम है सत्येंद्र बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय। आई एम स्टार मेकर, समझा? तुम्हारा जैसे हजारों स्टार पैदा कर सकता है, किसी को भी खड़ा करके हीरो बना सकता है, समझा? आज से तुम्हारा और हमारा रिलेशन का दी एंड। अभी फोन कॉल कर। सत्यम। जी सर। एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चलो। यस सर। चीयर्स। चीयर्स फॉर हमारा नया सुपरस्टार विशाल। सुपरस्टार। क्या अभी लीजिए ना, लीजिए। स्टार विशाल, माय फुट। फुट सिमी माय डार्लिंग, तुम आ गया। सर आप बुलाए और हम ना, ऐसा कभी होता है क्या? फ्री सिम कार्ड कहीं भी। ए बाबू, अपने डायलॉग है अपने पास संभाल के रख, किसी और फिल्म में काम आएंगे। कौन सी चीज संभाल के रखनी है और कौन सी नहीं, तुझसे बेहतर हम जानते हैं। ये सुना है, इस बार भी आपने कोई नया सुपरस्टार पैदा कर दिया सर। स्टार पैदा करने में तो दादा उस्ताद हैं। उस्ताद कहीं भी किसे भी कैसे भी पैदा कर देते हैं। पूरी बाबा, विशाल आ गया। विशाल यार कॉम स्टार। हेलो सर। थैंक यू। इनके भी लग लो। अरे सिमी, मीट अवर न्यू स्टार विशाल। हाय हाय।
वाकई में 10 on 10 है सर। क्यों आजकल कोई रियलिटी शो कर रही हो क्या? अब इसकी खबर मैं लेता हूँ। विशाल मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ, चलो। चलिए गो गो। प्लीज सर आता हूँ सर। तुम वो अपनी फ्रेंड को मिलाने वाली थी, वो उसका विशाल क्या? ये मत समझना कि दो डायलॉग बोल के तुम कोई बड़े स्टार बन जाओगे। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे मुंह से स्टार शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्मार्ट बन रहे हो हा? ये भी तो मैंने नहीं कहा। देखो मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करो रोनित। एक मिनट माय डियर फ्रेंड, मैं एरे गैरो के मुंह नहीं लगता। कम ऑन माय फ्रेंड, कम डाउन, कम डाउन। चले यहाँ सतेंद्र कौन है? बुढ़ी बाबा, इंस्पेक्टर साहब, हमको नहीं जानते है। अरे हम है सत्येंद्र बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय, स्टार मेकर। तो आप सत्येंद्र हैं? हाँ दादा। पार्टी चल रही है यहाँ पे। विकी मल्होत्रा को जानते हैं? दादा एक्चुअली हम बताता दादा, हमको उसने धोखा दिया दादा। हम उसको अपना फिल्म के लिए साइन किया, कल उसने 9 बजे का टाइम दिया, 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया, हम उसको फोन किया, 12 बजे तक नहीं आया दादा। हमको इसके लिए ना मजबूरों के उसको हमारे हीरो को चेंज करना पड़ा, वो फिर भी नहीं आया दादा। आता कैसे डायरेक्टर साहब, उसका तो किसी ने मर्डर कर दिया। की बोल छी दादा, ये किसने किया? ये जानने के लिए तो यहां आए हैं। आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? नहीं दादा, हम कुछ भी ना जानी। ठीक है, एंजॉय द पार्टी, अब मिलना जुलना तो लगा रहेगा। ओके दादा। विकी मल्होत्रा का कत्ल हो गया। I must say I'm very proud of you. आपने मेरा टाइम बचाया, आपने मेरा पैसा बचाया और मुझे एक सुपरस्टार दे दिया। वाह वाह। ठीक अच्छी दादा, वो सब ठीक अच्छी, लेकिन हमको बहुत दुख होता है। सच्ची बोलता है, कुछ भी हो कैसा चला गया। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। Let's have a party time. Hey, this is a celebration time. Come on, guys. Come on. All fine. सर सब ठीक तो है ना? आरिशा, तुम दोनों enjoy करो। आज फिर देखेंगे। गलती हो गई। अरे विशाल तुम? एक बात बोलूं विशाल, तुम रोनित की बातों को दिल पे मत लेना। उसका तो हर शूटिंग में यही प्रॉब्लम रहता है। एक्चुअली जब तक वो किसी से झगड़ा नहीं कर लेता तब तक वो कैरेक्टर में नहीं आ पाता। चलता है। वैसे वो दिल का इतना बुरा नहीं है। क्या बात है, फिलॉसफी। अच्छा तो ये बताओ कि हमारे दिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैडम, आप और आपका दिल बहुत ही खूबसूरत है। वैसे थैंक्स बिंदिया जी। थैंक्स क्यों? वो इसलिए कि अगर आप शूटिंग के वक्त मौजूद ना होती ना तो मैं इतना अच्छा शॉट कैसे देता? अरे थैंक्स तो मुझे देना चाहिए था। वो क्यों? मेरे एक बार कहने पर आपने मेरी बात जो मान ली। वो तो माननी थी मैडम। क्यों? इस क्यों का जवाब आप अपने दिल से पूछिए।
गलती हो गई। वैसे सर नीचे क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं, देख रहा था पानी में क्लोरीन बहुत ज्यादा है। ओ सर, कहाँ क्या ज्यादा है ये तो आपकी आंखों में ही दिखाई पड़ रहा है। अबे पानी देख रहा हूँ बे। पानी या जवानी? तो भाग यहाँ से, तेरा काम कर समझा, चल भाग। हम तो अपना काम कर रहे थे तभी देख लिए, चलते हैं। वैसे चाय ये भी गर्म है। तेरे को जाने को बोला ना, चल निकल यहाँ से, चलते हैं, हमारा क्या है। विशाल, तुम्हारे स्पर्श में एक अजीब सा एहसास है, और जब तुम मुझे छूते हो ना तो मेरे तन मदन में एक अजीब सी आग लग जाती है। विशाल, ये आवाज कहाँ से आ रही है? विशाल क्या हुआ? विशाल रास्ते से उठाकर किसी को भी हीरो बना दोगे तो ऐसा ही होगा ना? हाँ विशाल बाबू, फिल्मी फाइट और रियल फाइट में बहुत फर्क होता है, पहले ये जान लो फिर हीरो बनो। तुम्हें क्या हो गया था विशाल? सच बताऊं, मुझे पता नहीं अचानक क्या हो गया, मुझे खुद को पता नहीं। आई रियली डोंट नो। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूं तुमको भी गुस्सा आता है। इंसान हो, भगवान नहीं, तो गलती तो होती रहती है। एक बात बोलूं विशाल? प्यार करना सीख जाओ, गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सच्ची? Excuse me. Oh, hi. कहीं मैंने आपको disturb तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, please have a seat. Thank you. वैसे वैसे तुम कैसे हो विशाल? बिल्कुल fine हूँ। वैसे तुम दोनों खामखा मेरी इतनी चिंता करते हो,
आप मौका ही कहां देते हो अपनी सेवा करने के लिए? क्यों बिंदिया? वो अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गईं। ये कल की स्क्रिप्ट आप दोनों पढ़ लीजिए। और हाँ, कुछ स्टिल्स मंगाए थे आपने। थैंक यू विशाल, तुम अपना ध्यान रखना। चले बिंदिया। अच्छा विशाल, अपना ख्याल रखना, ओके? श्योर। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। कृष्ण की मुझ में भी है कृष्ण की।
पालो। अच्छा है। दादा कैमरा कहीं भी रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, ठंडे ठंडे सीन बहुत हो गए, बहुत हो गए। अब हॉट सीन्स की जरूरत है, जिससे ऑडियंस की सिसकारियां निकले, अंडरस्टैंड? किरे बहुत उतावला होता है। हाँ, उतावला तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म भी तो बेचनी है। आपको तो मालूम है कि सक्सेस का फॉर्मूला गणित क्या होता है, 40% सेक्स, 20% कॉमेडी, 20% एक्शन, बात समझ में आई? और 20% इधर का उधर का माल मसाला डाल के ये सक्सेस का फॉर्मूला है। छी छी रे बाबा, उड़ी बाबा, बहुत जल्दी समझ गए तुम फॉर्मूला। अभी हम बाबू को बोलता है, बहुत सही चीज बोला तुम। 40% सेक्स, 20% एक्शन, 20% कॉमेडी, 20% ड्रामा। आधा वर्ष है। तुम अपना कॉच करो, उधर वाउचर देखो प्रोडक्शन का की है, हमको अपना कॉच करने दो। बहुत करता है ये, ना चोल बे, ये ना चोल बे। मैडम, अरे मैडम सुनिए, अरे सुनिए मैडम, कहाँ चली जा रही हो मैडम? क्या हुआ मैडम? हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आज तो लेकर रहेंगे। क्या मतलब? ऑटोग्राफ की बात करें मैडम, आप कुछ भी समझ जाती है। पर मेरा ऑटोग्राफ क्यों लोगे? एक छोटा सा ही तो रोल कर रही हूँ मैं। तो क्या हुआ मैडम? हमारे बाबू राइटर को छोटे को बड़ा करना बड़ा अच्छी तरह से आता है। रोल की बात कर रहे हैं मैडम, फिर से कुछ भी? मैडम आपको पर्सनली बुलाया है मिलने के लिए, अकेले में। अब सोच क्या रही है, ऑटोग्राफ दीजिए, दीजिए ऑटोग्राफ, फिर कल को बड़ी हीरोइन बन गई तो पहचानेगी भी नहीं आप। बाबू को बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम, यू आर सो स्वीट मैडम। चलते हैं। पल्लू के पीछे छुपा के रख। बाबू ये बता, इस बार कितनी मछलियों को चारा डाला तूने? कोई फंसी कि नहीं? बाबू चारा डाले और मछलियां ना फंसे, ऐसा हुआ है कभी? लेकिन तुम जैसे राइटर्स ने मेरा धंधा ही बंद कर दिया। साली पहले मुझसे कांटेक्ट करती थी, अब सीधे तुमसे कांटेक्ट करती हैं। वक्त पड़ने पर चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसे चाहे जितना भी छुपा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब तुम्हारी सप्लाई में कोई दम नहीं रहा। अपनी औकात में रहो बाबू। सिमी जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रे, देखो ना साला। कौन? अरे बाबू। बाबू? सिमी जी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। ये बाबू आदमी कैसा है? एक नंबर का कमीना है, कमीना साला, हरामी है। अरे वो तो मुझे पहले दिन से ही मालूम है। तो मुझे क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि उसने कितनी लड़कियों को हीरोइन बनाया है। तुम खुद ही पूछ लो ना। लेकिन आप उसके करीबी दोस्त हो ना। तो मैंने क्या ठेका ले रखा है कि उसने कितनी लड़कियों को साथ में सुलाया और कितनी लड़कियों को हीरोइन बनाया? अरे सिमी जी अब तो खामखा बुरा मान गई, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम एक दिन खुद चलकर मेरे पास आओगी, रोती हुई आओगी, देखना। रोती हुई आएगी, कहना क्या चाहती है वो? अरे आप हमारे फिल्म की हीरोइन है, आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखूंगा कि आप हिट हो जाएंगी। अरे प्रोड्यूसरों के आपके पीछे फिल्म में साइन करने के लिए लाइन लग जाएगी। ओवरऑल राइटर जो हूं। अभी का सीन क्या है बताते हैं, अभी आप तैयार हो जाओ, उसके बाद पूरा सीन आपको समझा देते हैं, उसके बाद देख लेंगे। मिरर देखा ना? ठीक है, थैंक यू।
हाँ श्योर हो जाए। चलना जल्दी चल। गुड मॉर्निंग। अबे ओ प्रफुल्ल, हाँ क्या सीन है अबे मेरा आज क्या? वैसे कुछ खास तो है नहीं, आप एक काम क्यों नहीं करते? वो बाबू राइटर ऐसे लड़कियों का शौकीन है, आप बात करके देखो, शायद उसे लड़कों का भी शौक हो और आपका काम बन जाए, दो चार रेप के सीन डाल दे। है। हाँ, आया सच्ची, आया, आया। चल बे। क्या कहें हम इनको, क्या सुनाएं हम इनको, क्या कहें हम इनको, क्या सुनाएं हम इनको, क्या कहें हम इनको, क्या सुनाएं हम इनको, इनके बारे में जो सोचे वो बिल्कुल अलग ही है। क्या कहें हम इनको, क्या सुनाएं हम इनको, इनके... ए, चल। Well, क्या अनन्या जी? हाँ? हमने आपको बुलाया और आप नहीं आई। आपने मुझे क्यों बुलाया था? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? आओ मेरे पास बैठो, सब बताता हूँ, आओ, टेंशन मत लो, आओ, आओ। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? इंडस्ट्री में नहीं आई हो क्या? ये तो इंडस्ट्री का रिवाज है, इसमें एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, तुम मुझे लाइन दोगी, फिर देखो तुम्हारी लाइन कैसे बढ़ती है। ये बिंदियाज जितनी भी टॉप की आर्टिस्ट हैं, ये कहाँ से आई हैं? सब मेरे बिस्तर पे से होके गुजरी हैं, और मैं तुमको भी टॉप की आर्टिस्ट बनाऊंगा, बस तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। लीव मी। साली कुतिया, मेरे से बच के कहाँ जाएगी? ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या है ये। एक्शन। कहाँ जाएगी बच्ची? आजा। छोड़ो मुझे। मान जाती तो ये नहीं होता। जाने दो मुझे, छोड़ो। मेरे पास आ, मेरे पास आ। बचाओ, छोड़ो मुझे, नहीं। जाने दो। छोड़ो मुझे, कहाँ जाएगी बच के मुझसे? मुझे बचाने के लिए, मुझसे बचाने के लिए कौन आएगा? ये तो उसको नोट देगा। अरे सीन में इसका डिमांड नहीं है दादा। मेरे पास आओ। विशाल। विशाल कुछ करो, डू समथिंग। रुको विशाल क्या कर रहे हैं? नवे नवे इंसान को हीरो बना देते हो और ये देखो, अरे विशाल हीरो की छोड़, चल निकल बाहर। अरे ये सीन की डिमांड है, अरे जब अनन्या को कोई तकलीफ नहीं है तो तुझे क्या तकलीफ है? अरे बाबा सबको मारता है, अभी तुमको मारेगा, तुमको मारेगा और तुमको भी मारेगा, हमको मार नहीं करेगा, हम जाता है। अरे अरे मुझे क्यों मार रहा है? छोड़ मुझे। विशाल विशाल, देखिए तू अच्छा नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ।
मुझे मैं नहीं कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन करेगा साले, कंप्लेन करेगा। अरे और करे गिरदाम, बचाओ मुझे। अरे भाई यहाँ खड़े हो, वापस मार खाने का इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी निकलो, है तो मार डालेगा। अरे किसी को नहीं मारेगा। हीरो बन गया तो। अरे बाबू राइटर, तुम भी जल्दी निकलो, मार डालेगा। जल्दी, हाँ हाँ जल्दी आओ। अरे हीरो तो क्या, सबको मारता रहेगा। दोस्ती से मैं कंप्लेन करूंगा, तेरी शूटिंग बंद करवा दूंगा। बाबू राइटर नाम है मेरा, तेरे ऊपर बैन लगवा दूंगा, देख लेना। दादा, अच्छा खासा हॉट सीन चल रहा था। हॉट सीन, लोगों की सिसकारियां निकल आती, हाय 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 हाय। पर उस विशाल के बच्चे ने टांग बीच में अड़ा दी। की बोलची दादा, की रे, वो तो अच्छा हुआ, नहीं तो वो उसका शौरी नोच डालता था। अरे नोच डालता तो ऑडियंस को और ज्यादा मजा आता, ऑडियंस को मजा आता तो पिक्चर अच्छे दामों में और बिकती, मजा आता। अच्छा हाँ। दादा हाँ, हम एक कॉच करता है हाँ। तुमको लेके एक सीन बनाता है, हॉट सीन। अच्छा हाँ। और पिक्चर का टाइटल देता है भालू का रेप। रोनित ने जो आज किया अच्छा नहीं किया। ऐसे वैश्य दरिंदे को तो फांसी दे देनी चाहिए। अरे क्या मैडम फांसी वांसी की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे अरे अनन्या जी रोइए मत। अरे आप लोग तो जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में होता रहता है ऐसा आड़े दिन है? अरे आप एक काम कीजिए, खुजली के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। चाय नहीं चाहिए प्लीज। कोई चाय नहीं पीता हमारे हाथ की, क्या दुश्मनी है चाय से। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैडम आपका चेक। थैंक यू। आज आपका पैकअप। पैकअप? पर मुझे तो इन सब के साथ 10 दिन के लिए बुलाया गया था। देखिए मैडम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आपको जो भी बात करनी है बाबू राइटर से बात कर लीजिए। अनन्या आओ, मुझे मालूम था कि हीरोइन बनने की ख्वाहिश तुम्हें मेरे कमरे तक जरूर लाएगी। जानती हो तुम्हारा पैकअप क्यों हुआ है? क्योंकि तुम पैचअप नहीं करना चाहती। नो पैचअप तो हो गया पैकअप। अब पैचअप तो नो पैकअप। हो जाना चाहिए, निकलो। ओ हाय विशाल। ओ हाय, कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस बिंदिया के पास जा रहे हो, राइट? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारे साथ भी थोड़ा टाइम बिताया करो। व्हाई नॉट, वैसे
आप भी मुझे विशाल मेरे होते हुए विशाल को कुछ हो नहीं सकता। पर ये किया किसने? क्या बता? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो हमारे कमरे में थे। बिल्कुल। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कौन मारा? कौन है साला? जो कोई भी हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत जल्द। पल्लू के पीछे छुपा के रखा है। उठा दो। की रे, शुगर तो नहीं डाला? नहीं 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 डाले, शक्कर नहीं डाले सर, आपकी भी चाय रख दी है। पूरी बात कौन है? अरे अपनी रिंग टोन तो चेक करते कमीने, चल भाग। ये डरा दिया साला, चल भाग। हम शूटिंग कर रहे हैं अभी। कितने ड्रामा के सीन करेंगे? सीन पे सीन, सीन पे सीन। अभी तो एक सोना सा सेक्सी सा गाना होना चाहिए। हां, काय को इतना घबराता है रे? इतना डरपोक जब देखो घबरा जाता है। अरे तुमको मालूम नहीं, हमारा पिक्चर में आइटम सॉन्ग करने के लिए मालूम है कौन आता है? कौन? मशहूर डांसर अनायका। और उसका पिक्चराइजेशन के लिए मालूम है कौन आता है? इंटरनेशनल फेमस डांसर कोरियोग्राफर मोंटी। मोंटी इंटरनेशनल कोरियोग्राफर, क्या बात है? हाय माय फट्टू। नहीं दादा, फट्टू नहीं, फट्टू नहीं, सत्तू। हमारा नाम अच्छी सत्येंद्र बैकुंठ नाथ चट्टोपाध्याय, नाम याद रखना दादा। सत्तू और फट्टू, यू माय लवली टट्टू। हे मोंटी, गाने के बारे में बोलो, कम टू बिजनेस, कम ऑन बेबी। आपका गाना तो इतना हिट होगा कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगा। हाय हाय, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में सुपर हिट हो जाए, यही चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर यही मांगते हैं। अनायका किधर है? आएगी हमारी। कौन? अनायका। इंतजार हो रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, चलिए। हाँ जी, देखते हैं। ठीक है, आज का सीन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। कोई बात, हमारा हीरो आ गया। किरे क्या मानो अच्छी? I'm fine sir. बेस बंदा सर। God bless. God bless. लो आ गई। Hi. अरे अन्नो। Hi sir. की बालो। सत्तू दा। अरे हमारा पूरा पहचान है दादा। अच्छा लगता है हमको, बोलती है सत्तू तो। कैसे हो? Fine. Now meet. ये है प्रोड्यूसर सुरेंद्र गुट्टा। हेलो मिस्टर चड्डा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा फिल्म का हीरो है कल का होने वाला सुपरस्टार विशाल। हाय, आई एम विशाल। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर मैम। माय प्लेजर। हमारा राइटर बाबू। ओह व्हाटएवर। मैडम प्लीज मेरा हाथ। थैंक यू, थैंक यू। बाय द वे, वेयर इज माय मेकअप रूम? नो प्रॉब्लम। खुजली? Khushli? Yes, Khushli, the spot boy will take you over there. Oh, spot Khushli! Madam, may I come in? Yes, come in. Madam, ye aapka dress, jaldi se tayar ho jaiye. Ye dress? Main nahi pehnungi itne chote kapde, jaake bolte apne producer ko. Kyun, kya problem hai isme? Itne chote kapde main nahi pehnungi. लेकिन मैडम, कई फिल्मों में आप इससे भी छोटे कपड़े पहन चुके हो ना? हाँ पहने हैं, लेकिन पेमेंट भी तो वैसे ही ली है ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे, जैसे जैसे नोटों की गड्डी बढ़ जाती है कपड़े वैसे ही कम हो जाते हैं। तो मैडम पूरे उतारने के अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे? यू रास्कल, दो टके के असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात बोलने की? गेट लॉस्ट। और हेलो, अपनी औकात में रहना। इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। hey, 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 hey.
हूँ सुदूर प्यार करना जरूर पुरानी सारी यादें ताजा करनी है नए यारों से मिलके पुराने यारों को भूल गई ठीक है ठीक है बोल कहाँ आना है वही खुले आसमान के नीचे छत पर ठीक है पहुंच जाऊंगी साली कुतिया बच के जाएगी किधर कैसे हुआ ये क्या क्या अरे बाप रे बाप अलैका का ये हाल कैसे हुआ She's dead. कौन गिरा ये कैसे गिरा कैसे गिरा ये बाबू राइटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा पता नहीं कहां गए होंगे इस स्पॉट पे लड़की गिरी थी वहां से गिरी है नीचे लिखो अरे जो छज्जा देख रहा हूं छज्जा है 20 फीट हाँ लिखो 20 फीट इंस्पेक्टर सर एक मशहूर आइटम गर्ल अनायका की मौत हो गई है उसके बारे में आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है मर्डर है या सुसाइड है सर इस मामले की तहकीकात कब तक होगी नो कमेंट्स सर 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 वन मोर क्वेश्चन सर प्लीज सर 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 प्लीज सर प्लीज सर बताइए सर प्लीज गुड मॉर्निंग सर शूटिंग चल रही है हां पिक्चर कौन सी है कौन क्या कहा तुमने कौन
मैं बताऊं मैं कौन हूँ? नहीं दादा, हमारा मतलब है कि पिक्चर का नाम है कौन? हू कौन? हाँ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। लड़की 1 बजे रात को मरी है। 1 बजे? ऊंचाई 35 फीट है। 35 फीट और छज्जे की 22। हीरो हो? जी हाँ सर। फिर तो मेरा काम आसान हो गया। वो कैसे सर? बस ऐसे ही, वो फिल्मों में होता है ना कि हीरो सब कुछ सॉल्व कर देता है। हाँ सर, वो फिल्मों में होता है लेकिन यहाँ पे तो असली मौत हो चुकी है सर। सो तो है। वैसे कल रात को तुम कहाँ थे? सर हम लोग तो अपने अपने रूम में थे सर। इसके साथ? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, हम अपने अपने कमरों में थे। वाओ, अपने अपने कमरे में? यस सर। सर तुरंत बोल देना, हम लोग साथ में थे। एए, काम क्यों रहा है? काम क्यों रहा है? सर, सर। चुप! तुझसे पूछा गया, जिससे पूछा जाए वो बोले। क्यों कांप रहा है? कौन देख के मुझे चक्कर आता है? बहुत घबराहट हो रही है सर। चक्कर आता है? हाँ? डायरेक्टर कहाँ है? ये वो सामने। ओ, सदेंद्र चट्टोपाध्याय। कल रात कहाँ थे? हाँ, प्रोड्यूसर के साथ शूटिंग का डिस्कस करता था दादा। शूटिंग का डिस्कस? हाँ दादा। यानी सीन का डिस्कस? हाँ दादा। स्टेटमेंट नोट करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म को हिट करने के की लिए? बोलची दादा, की बोलची। 50 के ऊपर हमने पिक्चर बनाया, आज तक हमारे फिल्म में ऐसा घटना नहीं हुआ, पहली बार हुआ दादा। मर्डर हुआ है ये? मर्डर हुआ है, मर्डर। समझे? मर्डर। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मर्डर हुआ है? हो सकता है सुसाइड हो। स्टेटमेंट नोट करो। कौन है तू? हाँ? मैं बाबू राइटर। बाबू राइटर, अब तू मुझे समझाएगा ये मर्डर है या सुसाइड। वैसे कल रात 1 बजे कहाँ थे? मैं अपने कमरे में सीन लिख रहा था। सीन लिख रहा था? हाँ, सीन लिख रहा था। ए डायरेक्टर, बैकअप, शूटिंग बंद। कोई इंस्पेक्टर साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर शूटिंग नहीं हुई तो। अगर ये शूटिंग बैकअप हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सच्ची बोलता दादा, ऐसा मौत करो, ये प्रोड्यूसर घर बार बेच करके शूटिंग करता है दादा। सही सर, ये तो बर्बाद हो जाएगा सर। सर शूटिंग कंटिन्यू रखिए प्लीज। प्लीज सर। प्लीज दादा, शूटिंग करने दो। ठीक है, शूटिंग करो तुम लोग, लेकिन कोई भी आदमी यहां से बिना मेरी मर्जी के नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा दादा, कोई नहीं। और हाँ, अगर कोई गया तो मैं उसके साथ असली में शूटिंग करूंगा। नहीं जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए? समझ गए? सत्यम। जी सर। आप दोनों? जी। आप दोनों 24 घंटे यहां पर नजर रखोगे। हाँ, मुझे पल पल की खबर चाहिए। जी सर। अंडरस्टैंड? हाँ दादा। ओके दादा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। ए जी दादा, ये इंस्पेक्टर बहुत कड़क लगता है, अपना फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल इसको देगा। अरे साहब मैं हूँ ना। हाँ ये तो है, लेकिन आपका पेट बहुत बाहर है, सांस अंदर करनी पड़ेगी। अरे साहब, आपकी बिजनेस क्यों होता है? इसका पेट पहले आएगा। अरे नंगा 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 क्या होता है? नंगा नहीं होने का, सांस अंदर लिया था। कोई बात नहीं, इसका पेट पहले आएगा, फिर इंस्पेक्टर बाद में आएगा। क्या बात? हाँ दादा, हम डायरेक्टर है ना, कौन सर, हम दौड़ भी लेते हैं। चलो चलो, बहुत तेज दौड़ता है। चलो दौड़ के दिखाइए। अभी दौड़ के दिखाओ। निकल गया। बाबू।
मुझे अनायका के जाने का बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है यार। बहुत अच्छी लड़की थी। क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, मुझे भी उतना ही अफसोस है। बड़ी अच्छी लड़की थी यार, व्हाट अ गुड गर्ल। ये परशुपति है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कैसे कर सकता है? इंसान नहीं थी सर, आइटम थी, आइटम। चुप। भगवान ने अगर तुम्हें अच्छी बुद्धि नहीं दी है तो अच्छी बातें कर लिया करो। मान शान का मत बल बढ़ाओ, समझे? सर, इन्वेस्टिगेशन शुरू करें वरना मेरा रिटायरमेंट यहीं हो जाएगा। अरे वो तो कब का शुरू हो चुका है। हमने अपनी पांचों इंद्रियां लगा दी जांच पड़ताल पूछताछ के लिए, समझ गए? अब तो तुम्हें दिखने भी लगी होंगी। हाँ सर, दिख रही है, बहुत अच्छी इंद्री थी सर। चुप। सर चाय। तुम्हारा नाम क्या है बालक? खुजली। नाम है या प्रॉब्लम? अरे हमारा नाम है खुजली। अति सुंदर, बड़ा सुशील, समंदर से भी ज्यादा गहरा। हमारी माँ को भी बहुत पसंद है हमारा नाम, और तो और हमारे गांव में भी सबको बहुत अच्छा लगता है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, बहुत गहराई है, इन गहराइयों में डूब गए तो। चाय सर। शुद्ध है सर, मोबाइल है, मोबाइल। मोबाइल, हम तो समझे थे मिसाइल है। अरे विशाल जी, तुम भी डर गए थे क्या? स्क्रिप्ट है, मैं तो नहीं डर। चाय सर। ये जो सीन है ना, वो हम कल करने वाले। उठो चलो। और हाँ, जो कल करने वाला सीन था वो आज करने वाले। तो यहाँ बैठ के रिहर्सल कर ले। नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत लेट हो गया है। यहाँ पे नहीं, नहीं ऐसे, इससे अच्छा है कि रूम में जाके करते हैं। ठीक है विशाल, मैं भी चलूँ? श्योर। चाय? यहाँ सर, यहाँ। क्या सर, बहुत बुरा लग रहा है। फिल्म में भी सेकंड हीरो, रियल में भी सेकंड हीरो, दोनों हीरोइनों को ले गया। एक हीरोइन तो होनी चाहिए आपके पास, बहुत बुरा हो गया। जी सर, कम से कम एक तो होनी चाहिए, आखिर आप हमारी फिल्म के सेकंड हीरो जो हैं। कुछ कीजिए सर। तुम अभी रौनित को जानते नहीं, रौनित जिस पर भी अपना हाथ रख लेना उसे अपना बनाकर ही छोड़ता है, समझे? जल्दी से जल्दी अपना काम हो गया। तुम? हाँ मैं। कुछ बात करनी थी तुमसे। कैसी बात? यही कि अनायका ने तुम्हारे धंधे की बैंड बजा दी थी ना। बाबू ज्यादा मत बोल। हाँ, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तू सीधा सलाखों के पीछे चला जाएगा। क्या मतलब है तेरा? क्यों, उस दिन अनायका को रात को तूने बुलाया था ना छत पर? वो तो क्यों क्यों हो गए ना लाल तेरी? सिम्मी, सिम्मी नाम है मेरा। मुझसे उलझोगे ना तो कभी सुलझ नहीं पाओगे। रास्ता खुला है, चल रास्ता नाप, चल निकल यहाँ से। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर आइटम डांसर अनायका की मौत। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर आइटम डांसर अनायका की मौत। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर आइटम डांसर अनायका की मौत। ले लो सर मशहूर। ए दादा, ऐसा गर्दन टेढ़ा करके लेटेगा, गर्दन टूट जाएगा। अरे क्या गर्दन टूट जाएगा दादा, फटी पड़ी है, लल्ले लगे हुए हैं। ए दादा, रिमोट किधर है? थोड़ा न्यूज देखेगा। ये लो, देखेगा दुनिया में क्या होता है। न्यूज देख ले। शूटिंग के दौरान मशहूर आइटम नायिका की हुई मौत। मशहूर डायरेक्टर सत्येंद्र बैकुंठ राज चट्टोपाध्याय की।
शूटिंग के दौरान आइटम डांसर अनायका की मौत हुई। अचानक हुए इस हादसे की वजह से ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस की तहकीकात जारी है। उनका कहना है कि ये दादा दादा फोन इसका पता बहुत जल्द लगा लेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? आपकी फिल्म के लिए ऑफर क्या है जी? हाँ जी, 8 करोड़। 8 करोड़ तो पाजी बहुत कम है जी। अभी फोन आया था, बोल रहे थे कि 10 करोड़ रुपया। आप पुराने दोस्त हैं जी, 8 करोड़ से कैसे चले गया? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं 10 करोड़ में? ठीक है जी, ठीक है। अरे दादा दे, दादा दा, दूसरा फोन दादा। हेलो, 12? नहीं नहीं सर जी, अभी अभी 15 का ऑफर आया था पाजी, मैंने ना कर दिया। मैंने कहा नहीं, 15 तो बहुत कम है पाजी, 20 करोड़ रुपया दे रहा था, मैंने ना कर दिया। 21 डन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मुंह मांगी रकम मिल रही है, जिसको छुओ सोना, जिसको छुओ सोना, सोना सोना। मैं तो ये सोच रहा था अगर कुछ और कत्ल हो गए होते तो मेरी फिल्म की कीमत 20-30-40 करोड़ रुपए हो गई होती। पैसे आ रहे, कत्ल हो और रहे। कत्ल करवा दे। खोकुदा जी, दादा जी, दादा व्हाइट लेंस लगाई? जी व्हाइट लेंस लगा हुआ है। लाइटिंग अच्छी है? हाँ, सब ठीक है। चलो रे, सब कॉला करा जाओ, तुम भी आ जाओ। की रे, ये डायना कोता है? आती होगी। सर, उसने बताया कि वो रिस्पॉन्स नहीं है। सॉरी सर, फिर बोला सॉरी, ऑलवेज लेट। सॉरी सर। हैं? हाँ, हमारा हीरो किधर है? विशाल, ये विशाल कोता है? ओ विशाल, आ जा। अभी की दादा, अभी तुम सब लोगों ने सीन पढ़ा होगा? यस सर, यस सर। तुम सब सीन समझा ना? यस सर। ये सीन हमारी फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सीन। अच्छी, इंपॉर्टेंट। सेमी, तुम इधर आओ। यस सर। इधर खड़ो, इधर इधर बैठ जाओ। okay. सुन, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें रीडिंग कोची, रीडिंग करो। दादा तुम यहाँ आओ, हाँ यहाँ पे इधर आओ। तुम यहाँ, तुम तुम्हारा मन में कुछ है? हाँ, ये गोगल उतार देने का। अरे सर, निकाल दूंगा मैं, टेक चालू हो जाएगा ना, उतार दूंगा। तुम्हारे आंख का एक्सप्रेशन हमको दिखेगा नहीं। नहीं, टेक में निकाल दूंगा, ये रिहर्सल है। अभी अभी तुम ये रहा। तुम्हारे हाथ में कुछ है? कुछ है नहीं सर। क्या ये गोंद दादा? आ रहा हूं सर। तुम गोंद हो रे? ये रियल गोंद तो नहीं आची ना? नहीं सर, बराबर है सर। चलो अच्छा, ये किसका फोन बजता है सर? किसका फोन बजता है? सिमी तुम्हारा? सॉरी सॉरी सर। किरे सॉरी बोलता है? कितना बार बोला कि सेट के अंदर मोबाइल नहीं मांगता है? चलो बाहर। जी सर, फाइटर्स रेडी हैं, सब सेट पे पहुंच जाएंगे। ओके। देखो तुम साथ लो, हमारा बात ध्यान से सुन लो। अभी तुम लोगों सबको अपना अपना लाइन याद है ना? हैं? तुम सब लोग अपना अपना रूम में जाओ। हम तुमको आवाज लगाएगा ना, जिसका जिसका नाम लेके आवाज लगाएगा, तड़ातड़ी तोड़ता है, तड़ातड़ी दौड़ता आएगा तुम सब लोग। जी सर, जल्दी में आएगा एक खाने। okay, जल्दी में आएगा। जल्दी okay, चलो अपना okay. अपना जगह पे जाओ। यस सर। कैमरा सीन नंबर 49/1 एक्शन। अरे रुकिए रुकिए, अब क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं है क्यों काट दिया। क्या सीन तो मैंने रोनित के लिए लिखा था। विशाल कैसे खून कर सकता है? तुम गधा है क्या? एक नंबर का। इतना देर से हम पूरा सीन समझाता है, विशाल बाबू को सीन समझाया, तुम वो टाइम पे क्यों नहीं बोला? लाइए सर। अरे दादा, मैं आपसे बात करने वाला था, पर आप तो हमेशा अपनी बीवी के साथ फोन पे लगे रहते हैं। ए, हम अपना बीवी से बात करता है? तुम जलता है? हम अपना बीवी से बात करता है, समझा? मैं आपसे माफी से ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता। इससे ज्यादा हम तुमको दे भी नहीं सकता है। अभी जाओ। ठीक है। कैमरा टेक टू एक्शन। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड।
शॉट, वेरी गुड, फॉलो, वेरी शॉट, शॉट देता, अमेजिंग, वंडरफुल शॉट, फॉलो शॉट, क्लास, वेरी गुड शॉट, अमेजिंग, 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 खूब फॉलो शॉट देता, ए सिमी, खूब फॉलो शॉट दिया, खूब फॉलो, मजा आ गया, अभी उठ जाओ, उठ जाओ सिमी, हाँ, सिमी, सिमी, उठ जा, सिमी उठ जा, ए सिमी, अरे क्यों नहीं रही है, सिमी जी, ए सिमी जी, आप तो कैरेक्टर में डूब गई Really? हाँ भाई। दादा ये तो सच में गई की बोलची क्या क्या, क्या? सिमी उड़ी बाबा लगता है सचमुच मर गया क्या ओह गॉड ओह नो आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सब मैंने कुछ नहीं किया मुझे जो पिस्तौल दी थी सो मैंने चला दी सर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को मत बुलाओ प्लीज। पुलिस। यार। 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 मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए। हाँ बताओ सर। सर इस पर का फोन आया था। शूटिंग स्पॉट पर दूसरी मौत हो गई। कौन मारा इसे बोलो इसने मारा सर मर्डर का सीन था रियल में मर्डर हो गया सच में मर्डर हो गया हा? मैंने कुछ नहीं किया सब लोग जानते हैं कि फिल्मों में जो गंदी जाती है वो नकली होती है जो मुझे दी जो मैंने चला दी किसने दी थी तुम्हें ये गन फाइट मास्टर ने कौन है फाइट मास्टर जी सर मैं हूँ फाइट मास्टर तुम फाइट मास्टर हो नीचे कर नीचे कर नीचे कर नीचे कर मैंने कुछ नहीं किया सर आज तक मैं 100 फिल्मों में काम कर चुका हूँ लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ सर कोई बात नहीं जिंदगी में घटनाएं पहली बार होती हैं और ये हो गई हाँ मुझे याद आया जब मैं फोन पर बात कर रहा था तब डायना जी मेरी पिस्तौल उठाकर देख रही थी सर मैंने पिस्तौल उठाई थी पर वापस रख दी मैंने कुछ नहीं किया है अच्छा तुमने कुछ नहीं किया मैंने किया है तुम बोलती हो तुमने कुछ नहीं किया ये बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और ये फाइट मास्टर बोलता है कि मैंने भी कुछ नहीं किया किसने किया तुम बताओ दादा आप ही बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब हम सच्ची बोलता है हम ये फाइट मास्टर पप्पू भाई को बहुत पहले से जानता है 50 के ऊपर पिक्चर किया हम पहले कभी ऐसा हौसला नहीं हुआ ये ऐसा नहीं कर सकता बहुत सालों से तुम इसके साथ काम कर रहे हो इतने दिन से यहां कांड हो रहे हैं मैंने कभी दखल अंदाजी की नहीं दादा नहीं ना बहुत गड़बड़ है यहां पर जी। बहुत लंबी नाक है मेरी सब कुछ सूंघ लेता हूं और मैं सूंघ चुका हाँ सर इन लोगों का क्या करना है इन लोगों का क्या करना है छोड़ दो इन सबको और इसको भी और हाँ इसको फाइट मास्टर को अपने साथ ले चलो सर आप मुझे बचा लो सर डायरेक्टर साहब ले जाते हैं इसे जेल में ले जाके इसको फाइट के बहुत वेरिएशन सिखाता हूं इंस्पेक्टर दादा उसको छोड़ दो दादा आप जो भी हो गया सब गलती हो गया दादा ए, हाँ, हाँ, ले चलो इसको फाइट मास्टर बनता है सर सर सुनो तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो जी सर राम सिंह स्टेशन लेके आओ अरे लेकिन ये हुआ कैसे दादा जानी ना आओ तुम हाँ मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर तुमने रिवॉल्वर में असली गोलियां क्यों डाली थी हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम बकवास नहीं ये सच है गोलियां तुमने ही बदली थी बोलो जवाब दो क्यों बदली थी गोलियां तुमने हाँ जवाब और तुम्हें आज मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम मुझे तो क्या किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी छोड़ो मेरा हाथ अरे छोड़ने के लिए हाथ नहीं पकड़ा था छोड़ो
रास्कल। तुम? हाँ मैं। रोनित ये सब क्या चल रहा था? आज पता चल जाएगा कि हम में से असली हीरो कौन है। रोनित, लगता है तुम स्विमिंग पूल वाली मार भूल चुके हो। अभी तुम होश में नहीं हो। बेहतर यही होगा कि इस रूम से तुम बाहर चले जाओ। देख लूंगा बड़ा हीरो बनता है। थैंक्स विशाल। इट्स ऑल राइट। और हाँ, आइंदा दरवाजे की कुंडी बंद रखना ताकि रोनित जैसे एरे गरे लोग तुम्हारे रूम में घुस के ना आए, समझी? टेक केयर। कम इन। हाय विशाल। ओ हाय। विशाल, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? बाथरूम? या एक्चुअली मेरे बाथरूम का शार खराब है। ओके, व्हाई नॉट, श्योर। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स। हाँ बोलिए डायरेक्टर साहब। किरे, हमारा जो असिस्टेंट है ना, उसके हाथ स्क्रिप्ट पे जाए, थोड़ा रिहर्सल कर लेना बाबा, अच्छे से देख लेना। हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, भेज दीजिए। मैं आई कमिंग सर। आ जाओ, आ जाओ। सर ये आपका सीन है। ये सीन लव सीन है। अच्छा, इसमें आपको लड़की सीड्यूस करती है। लड़की मुझे सीड्यूस कर रही? हाँ जी। आगे बोल। यहाँ से पकड़ेगी, चूमेगी, बिस्तर पे डाल देगी। अच्छा सर, ये सीन देख के थिएटर की कुर्सियों में आग लग जाएगी। अरे तू अभी मेरे पे आग मत लगा, चल आगे बोल, मुझे सब कुछ पता है। सर सही बोल रहा हूँ, एकदम हॉट सीन है। हॉट हॉट सीन है, ये है वो है, सब मुझे पता है। डायरेक्टर का फोन मेरे को आ चुका है। सर क्या बात है, अभी से प्रैक्टिस। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, ये क्या है ना कि लगे रहो, लगे रहो। क्या बात करता है, ये क्या है? कुछ नहीं, बस अभी सीन देकर गया वो ये। ओ वाओ, आज के सीन का स्क्रिप्ट, चलो रिहर्सल करते हैं अभी। हाँ कम ऑन, चलो ठीक है। ओके, क्या देख रहे हो? लाइन है आपकी? तो मेरी मेरी क्या है? हाँ, मैं अपनी सीमा को याद कर रहा हूं। अपनी सीमा को? सीमा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सीमा मेरी जान है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी जान बन सकती हूं। विशाल। अरे मेरी आंखों को देखो विशाल। स्टॉप दिस, गलत है ये। कुछ गलत नहीं है विशाल, कुछ गलत नहीं है विशाल। अगर मैं पहले कर देती तो आज बिंदिया की जगह मैं होती। मैं बिंदिया? हाँ बिंदिया। अब हाँ? विशाल? हाँ? ये सब क्या चल रहा था? ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं बिंदिया, हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। हाँ बिंदिया, ये रिहर्सल चल रही थी। विशाल, मैं इस इंडस्ट्री में सालों से हूँ, रिहर्सल क्या होती है मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बिंदिया, बिंदिया मेरी, अरे बिंदिया मेरी बात तो सुनो। विशाल उसे अकेला छोड़ दो, आई थिंक हमें लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रही है।
बिंदिया बिंदिया, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। विशाल, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। देखो बिंदिया, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं होगी। प्लीज गिव मी हग। विशाल जमाने की तो लड़कियां तन ढक कर पुरुषों को लुभा लेती थी, मगर आजकल की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के फिरती है, पुरुषों को लुभा तो लेती है मगर उनको अपना बना नहीं सकती। कमबख्त अपना कौन बनाना चाहता है, हम तो सर। हाँ। आपने देखा क्या? वहां से एक साया जा रहा था सर। साया जा रहा था? अरे अपराधी को पकड़ने का काम हमारा है, साये को पकड़ने का काम हमारा नहीं है। साये को पकड़ने का काम किसका है? शिवम साहब का। साये को पकड़ने का काम किसका है? तांत्रिक का। सर वर्दी की कसम खा के कहता हूँ सर, वहाँ एक साया था सर। साये का? तू जा देख क्या। जा। अनन्या क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो ये? अनन्या स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। छोड़ो क्या कर रही हो तुम? स्टॉप, कम डाउन, कम डाउन। ये दो मेरे हाथ में, दो। तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? इसने मेरे साथ क्या क्या किया है तुम नहीं जानते हो विशाल। क्या किया इसने? अरे अरे अपने सीन बढ़ाने के लिए पूरे कपड़े उतार के खड़ी हो गई थी मेरे सामने, मुझे मुझे अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। हम रहे संस्कारी इंसान, बस तुरंत निकाल दिया इसको, उसी का बदला ले रही है ये। झूठ बोल रहा है ये साला कमीना कुत्ता। विशाल ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है विशाल। देखो सर, इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, ठीक समय पे आ गए आप लोग। देखिए देखिए, अनन्या मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ये तो विशाल बाबू ठीक समय पे नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही डालती। ले जाइए इसे। ये वही चुड़ैल है जो रात को फिर रही थी, कल रात जो मर्डर हुआ है वो भी इसी ने किया होगा। हाँ हाँ सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी लड़की नहीं है सर। फिर कैसी है? हाँ चलो इसको थाने ले चलो। विशाल चलो चलो चलो, मैडम उधर क्या देख रही, चलो चलो, बड़ी खतरनाक लड़की है। विशाल बाबू, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं आपको गलत समझ रहा था। दुनिया में कई लोग दूसरे इंसान को गलत समझते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सामने वाले के दिल में क्या होता है, नहीं जानते वो। विशाल ये सब कौन कर रहा होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कौन कर रहा है। लेकिन जिस तरह से उस दिन रोनित ने डायना के साथ बदतमीजी की, मुझे तो लगता है कि रोनित। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। विशाल मैं टेंशन कैसे नहीं लूं? पहले अनायका, फिर सिमी, अब मैं भी तो हो सकती हूँ ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विशाल चले।
विशाल अभी हम तुम्हारा ओनली क्लोजअप लेगा, मेकअप द ओनली रिएक्शन, समझ गए ना? और चारों तरफ देख के ना, हम उधर खड़ा रहेगा और तुम उधर हमारा हाथ को देखेगा ना, उधर उधर हमारा हाथ जाएगा, उधर उधर तुम लुक देना और रिएक्शन देना। ठीक है ठीक है ठीक, अलग अलग टाइप के रिएक्शन वेरिएशन। हम लोग ना इसको ना चक्रवर्ती शॉट बोलता है। नहीं नहीं ठीक है आपका चक्रवर्ती शॉट देता है। ए दादा खोकुंदा एक्सीलेंट, ये मार्क है ना, ये मार्क है, ठीक है ना? ओके ओके डन सर। अच्छा मेकअप आउट आउट। ए साइलेंस है, साइलेंट है। हां चलो दादा, हां कैमरा एक्शन। हाँ दादा रेडी दादा। हाँ एखाने दादा, एखाने लुक। हाँ गुस्से में दादा। हाँ ऐसा गुस्सा करो दादा, ऐसा मारेगा ना कि दांत तोड़ेगा सामने वाले का, क्या बात है। हाँ दादा वेरी गुड, थोड़ा इधर देखो दादा, वेरी गुड, मुस्कुराओ दादा, खूब भालो दादा। अभी देखो दादा दूर से तुम्हारा कोई पुराना महबूबा है ना, बचपन से जिसको तुम प्यार करता था, अभी तुमको नजर आया। हाँ दादा वेरी गुड, दादा वेरी गुड, वेरी गुड, कॉट इट कॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, खूब बालो, खूब बालो, क्या तुम्हारे साथ काम करके ना हमको बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। अभी हमारा नेक्स्ट पिक्चर का हीरो भी तुम ही होगा। अभी तुम्हारा पिक्चर खत्म। अरे वाह, पार्टी देगा, पार्टी 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 नहीं पार्टी, जो भी देगा जरूर देगा। दादा अभी तुम मेकअप रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम शाम को दूसरे फिल्म के बारे में बात करेगा। मेरा मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं पे रखा था मेरा फोन, फोन मेरा आपका फोन वहीं तो रखे थे। अगर फोन करना तो मेरे कहाँ जा सकता है? अभी टेंशन मत लो दादा, मिल जाएगा। शॉट अच्छा मिला ना? कोथा है? अब अगली फिल्म में मुलाकात होगी आपसे। कहाँ गया फोन? मैंने यहीं पे तो रखा था। हम देखा था मेरा फोन, लेकिन गया किधर? मैंने देखा था। पुलिस आइए, इंस्पेक्टर साहब आइए। शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग बहुत अच्छी हो गई, अगर आपकी हेल्प नहीं होती तो शायद शूटिंग नहीं हो पाती। अरे नहीं 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 नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। सर कोई सुराग मिला? सुराग? हाँ मिल जाएगा, सुराग मिल जाएगा, बहुत जल्द कातिल सलाखों के पीछे होगा। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, आप लोगों ने अपनी फिल्म तो कंप्लीट कर ली। हाँ दादा कंप्लीट। जी 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 जी, अब मैं भी आप लोगों को अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। आप भी पिक्चर बना रहे हैं? देखना चाहेंगे आप लोग? अरे सत्यम लेकर आओ भाई, लेकर आओ। चल 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 चल, सीधा चलता नहीं है, टाइट लगा मुझे। बाबू ने नायक नहीं खलनायक है ये, सीधा खड़ा हो। पूरी बाबा हमको तो इसके ऊपर पहले शौक था, कॉल्प्री, अब खलनायक आ गया है तो हीरो को बुलाना भी बनता ही है। हाँ दादा। हाँ जी, क्यों विशाल, हीरो को बुलाया जाए? हीरो हीरो, अरे ये मुझे माफ कर देना भैया, ये तो विशाल का फोन है। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, आप मेरी हालत देख के नहीं पाएंगे भैया, मुझे माफ कर देना। ए! तुझे क्या लगा तू एक के बाद एक कत्ल करता रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा? बोल। हाँ विशाल, ये सब तुमने किया था? आखिर क्यों क्यों किया था ये सब तुमने? बताता हूं मैं क्यों किया, क्यों किया। तुम जानते हो इन लोगों ने क्या किया मेरी बहन के साथ? तुम लोग नहीं जानते ये लोग कैसे इंसान के रूप में दरिंदे, वो लोग दरिंदे। ये जो तुम्हारा सुपरस्टार विक्की मल्होत्रा है ना, तुम जानती हो क्या है? अरे उस कमीने ने मेरी बहन के साथ क्या किया? कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं जानते। ये जो सिमी है उसने क्या किया था, क्यों मारा मैंने उसको, तुम जानती हो? धंधा कराती थी मेरी बहन के पास, धंधा कराती थी वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और ये बाबू जिसे वर्ल्ड का बेस्ट राइटर कहा जाता है, इसके कारनामे जानती हो तुम?
साला हर लड़की को गंदी नजर से देखता है, हर लड़की को नोचने की कोशिश करता है। पूछती हो क्यों किया तुमने, कहती हो क्यों किया। मेरा भी एक परिवार था, एक मासूम सी बहन थी, एक प्यारी सी गुड़िया थी, बहुत प्यार करता था मैं उसे, हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन के सपने चकनाचूर करके रख दिए। भैया, इस साल कॉलेज ड्रामा में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो उसमें कौन सी नई बात है? हर साल मेरी गुड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलता है। क्या भैया, आप तो हमेशा एक्साइटमेंट का बैंड बजा के रख देते देखो, हो। मुझे ऑफिस जाना है, ओके? मुझे लेट हो रहा है। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो भी अभी जल्दी। मैंने आपसे बिना पूछे मुंबई के ग्रेट प्रोडक्शन हाउस में अपनी फोटो भेज दी है। हाँ तो? तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एज एन हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया है। हीरोइन? और फोटो शूट के लिए मुंबई बुलाया है। देखो, ये हीरोइन वीरोइन के नाटक हमारे घर में नहीं चलेंगे, समझी ना आप? बिल्कुल नहीं चलेंगे। भैया 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 प्लीज मुझे जाने दो ना, ये मेरा सपना है भैया, और मुझे पता है आप मेरा वो सपना नहीं तोड़ेंगे। प्लीज भैया, प्लीज। देखो, प्लीज भैया, कर दिया ना इमोशनल। हाँ ठीक है, बड़ी चालाक गुड़िया है मेरी। हाँ लेकिन एक बात बताओ, बॉम्बे कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, किसके साथ रहोगी, ये तो मुझे पता होना चाहिए। भैया मेरी एक फ्रेंड है अनायका, मैं उसके साथ रहूंगी। अनायका क्या करती है? ओफो भैया, आप भी ना सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसकी इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी बहना हो तो इन्वेस्टिगेशन ना करो तो क्या करो? ओ भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू बोल भी दिया, अभी तो मैं हाँ भी नहीं बोला। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। ओके भैया, आप भी अपना ख्याल रखोगे। ठीक है, बाय 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 भैया, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी इन टच। ओके, welcome to Mumbai. Thank you, Didi. Didi? Don't say Didi, just Anayika. Sorry. It's okay. वैसे बहुत सुंदर हो तुम. Thank you. मैंने सुना है Red Production वाले तुम्हें अपनी नई हीरोइन साइन कर रहे हैं. हाँ हाँ, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ. Oh, I see. मैं तुम्हें एक और फिल्म दिला सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो. एक साथ दो दो फिल्में. ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी. चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सिमी से मिलवाती हूँ। देखो काव्या, सिमी इज अ वेल नोन फेस और वो बहुत लोगों से तुमको मिलवाएगी भी। अरे कोल्ड ड्रिंक पियो। थैंक यू। ओ हाय सिमी, हाउ आर यू? सिमी, ये है काव्या, काव्या ये है सिमी जी। काव्या, सिमी जी ने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना तो बॉलीवुड पे राज करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समझी? वाकई में हमारे पॉकेट की गर्मी को है ना और बढ़ा देगी। ओके गाइस, आप लोग पार्टी एंजॉय करो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओके ओके, बाय बाय, सी यू। ओके बाय। ओके बाय, मैं आपको फोन करूंगी, बाय। तुम्हारा बेस्ट एक्टर कौन है? मेरा विकी मल्होत्रा। उनसे मिलना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। तो आज मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। सही में? ओके, डन डन। कम इन। ओह हाय सिमी, सिमी माय डार्लिंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, विकी मल्होत्रा इज ऑलवेज फाइन। She is काव्या। Hi काव्या, कैसे हो आप? Fine, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ काव्या, आप बताइए। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी है। अच्छा, that's good। My God। ये हीरोइन बनने के लिए आई है यहाँ? हीरोइन बनने के लिए? हाँ। बस तो समझो बन गई, विकी के हाथ में आ गई तो हीरोइन बन गई। आज से तुम इसकी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दो। ओके बाय, टेक केयर। Bye. काव्या, Bye. काव्या, काव्या, have a seat. बैठो। तुम क्या लोगी? सर मैं कुछ नहीं लूंगी। नहीं, थोड़ा तो पीना पड़ेगा, हमारे घर में आए हैं तो। सर मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ
काव्या जी के लिए ड्रिंक बनेगा। This is for you. Take. Yes. Thank you, sir. तो आपने मेरी कोई फिल्म कभी देखी है पहले? हाँ सर, मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी है। मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बताइए, मुझे आप में इंटरेस्ट है। मुझे आपकी वो हॉरर वाली फिल्म है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। हॉरर फिल्म तो विकी मल्होत्रा बहुत अच्छी करता है। मजा आया कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, अगली बार से सिमी को बीच में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे पास। ऐसा क्यों किया दीदी आपने मेरे साथ? ये दीदी दीदी क्या लगा रखा है, रिश्तेदारी निभाने आई है मुझसे? मुझे भैया के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। भैया के पास जाना है? अच्छा चलो चीज देखते हैं, फिर तो भैया के पास चली जाना। जाना है? ये हुई ना बात, जा जल्दी से तैयार हो जा, इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ। और हाँ, एक राइटर बाबू आए हैं, उनका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी। और अगर कोई नौटंकी की तो बटन दबाते ही। ओ राइटर बाबू, कैसी हो? ठीक हूँ। हीरोइन बनना है ना? विशाल, विशाल एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग तुम्हारी बहन के मौत के जिम्मेदार हैं? मेरी बहन काव्या हर रोज अपनी बातें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करती थी और वो मोबाइल मेरे हाथ में लग गया। ओ, तो ये काव्या का मोबाइल है? ये सब देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि इन कमीनों को मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा इन कमीनों को। लेकिन विशाल, तुमने इन सब को इकट्ठा कैसे किया? जब मुझे पता चला कि सत्येंद्र चट्टोपाध्याय एक फिल्म बना रहे और बाबू राइटर को एज अ राइटर साइन किया है, बाबू राइटर की हर फिल्म में ये सारे एक्टर्स होते हैं, वहीं से मैंने अपना प्लान बनाया, इन सब को एक जगह इकट्ठा करने का प्लान। मुझे पता चला कि वो लोकेशन ढूंढ रहे और वो लोकेशन मैंने ढूंढ के दिया और इस तरह ये लोग मेरी चाल में फंस गए। लेकिन तुमने उन्हें मारा कैसे? मैंने मेरा सबसे पहला शिकार विकी को बनाया, आप सब लोगों का चाहिए था सुपरस्टार विकी मल्होत्रा। जब वो शूटिंग पे आ रहा था सब
और अनायका को? अनायका को मैंने बाबू को अनायका को छत पर बुलाते सुन लिया था। वो अनायका से मिलने की जिद कर रहा था। मैंने उसका फायदा उठाया और टेरेस पे गया। उससे पहले कि बाबू पहुंचे मैंने उसे छत से नीचे गिरा दिया और इस तरह मैंने अनायका का भी काम तमाम कर दिया। अनायका को मार के मैं निकल नहीं रहा था कि मैंने बाबू को आते सुन लिया। और सिमी को भी? सिमी को भी मैं कई दिनों से मारा जाता लेकिन वक्त नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिल गया। डायरेक्टर ने मेरे हाथ में बंदूक दे दी। इसका मैंने फायदा उठाया। मैंने नकली मैगजीन को असली मैगजीन से चेंज कर दिया। मैं सिमी को मारने के लिए आगे बढ़ा। इतने में बाबू राइटर ने सीन कट करा दिया। अरे रुकिए रुकिए, मेरा प्लान फ्लॉप हो गया लेकिन मेरा काम और आसान। ये सीन तो मैंने रोनित के लिए लिखा था। जब बाबू राइटर ने बंदूक रोनित के हाथ में सौंप दी और रोनित के हाथों नहीं, सिमी, अब सिर्फ बाबू बचा था मेरे निशाने से। मैं उसे मारने के लिए भी गया था लेकिन मुझसे पहले अनन्या वहां पर पहुंच गई। उससे पहले कि अनन्या उसे मार दी मैंने उसे रोक लिया। अनन्या क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने बाबू को बचा लिया क्योंकि मैं उस कमीने को मेरे हाथों से मारना चाहता था और मैं अनन्या के हाथ खून से नहीं रंगना चाहता था। इसलिए अगर ऐसा इंसान दुनिया में जिंदा रहेगा तो काव्या जैसी हर लड़की का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। ऐसे इंसान का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस जैसे वैश्य दरिंदर को तो मार डालना चाहिए। मार डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। इसे कानून सजा दे। मार डालो, मार डालो। मजाक समझाए क्या? बाबू, बाबू राइटर नाम है मेरा। हम दुनिया की कहानी लिखते हैं और तुम लोग मेरी कहानी लिखने चले हो? बाबू राइटर ये गन मुझे वापस दे दो। अरे चल हट। जितनी अच्छी हम कलम चलाना जानते हैं उससे कहीं बेहतर हम बंदूक चलाना जानते हैं। और तू भी तो मुझे मारने आई थी ना? बाबू राइटर नाम है मेरा। तेरे जैसी न जाने कितनी मेरे बिस्तर पर लिपस्टिक पोंछ के जा चुकी हैं। हाँ, लिपस्टिक से याद आया, विशाल तेरी बहन के होठ बड़े रसीले थे, बड़ा मजा आया। अरे हाँ, उसने सुसाइड नहीं किया था? मैंने मारा था उसे, मैंने। पता है क्यों? वो पुलिस स्टेशन जा रही थी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मार दिया साली को। सारे कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया। वैसे भी विशाल तेरी बहन कपड़ों में उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी से नंगा देखने में मजा आता था। हाँ, मारने से पहले भी मैं उसके साथ सोया था। छोड़ो मुझे।
हम कलम से भी ज्यादा अपना दिमाग चलाना चाहते हैं। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.